तो गुड मॉर्निंग भाई लोग, स्वागत है आपका आज के हमारे ब्लॉग में। आज का दिन है संडे, बज गए सुबह के 6:15 और हम लोग निकल रहे हैं मॉर्निंग राइड के लिए। मॉर्निंग में बेसिकली आज की राइड थोड़ा सा अर्ली प्लान किया हम लोगों ने और आज मैंने अपनी ह्योसोंग की GTR बाइक निकाली है। मस्त रौला काटते हुए जाएंगे हम लोग आज शोभन सरकार तक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि संडे है तो बस निकलना है और कोई मतलब नहीं। संडे है तो फिर सुबह उठेंगे और राइड पे निकलेंगे। सभी लोग निकलते हैं, हम भी निकलेंगे। चलते हैं भाई लोग, देखते हैं क्या क्या मज़ा आएगा। आप लोग भी एंजॉय करना, चिल मारना। तो आज हम चला रहे हैं इस बाइक को। सबसे बड़ी बात क्या है, इस बाइक में डिजिटल मीटर टूटा हुआ है, जो अयोध्या राइड में टूटा हुआ था। इसका मीटर अभी तक मिल नहीं रहा है। एक बार मैंने मंगाया था, हालांकि मिल गया था, बट इशू क्या आ रहा है कि वो उसमें स्पीड काम नहीं कर रही है। तो उसको मैंने अभी रिटर्न कर दिया है, नया आएगा फिर लगेगा। तो तब तक ऐसे ही मज़े करेंगे, क्योंकि अगर मीटर नहीं तो स्पीड नहीं, और स्पीड नहीं तो कितनी भाग रही है ये भी पता नहीं चलता ये भी अच्छी बात है ना। तो अभी के लिए मैंने इसमें काम चलाओ टेप लगा दिया था कि धुल्ले उल्ले में पानी ना जाए अंदर, ज़रूरी है उसको रोकना। अच्छा एक बात है, बाइक में अभी एग्जॉस्ट स्टॉक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग बाइक को देख के एकदम से लगता है उन्हें एकदम तगड़ी सुपर बाइक आ रही है। पुलिस वाले खड़ी हुई है सामने, देखो 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 देखो, कुछ नहीं बोली, निकल गए देखना पड़ता भाई पुलिस को ऐसा रोके। हालांकि एग्जॉस्ट स्टॉक है तो कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। सबसे पहले तो सोच रहा हूँ फ्यूल अप कराऊँ, गाड़ी में फ्यूल कम है। देख के क्रॉस करना है। देखो भैया, बच्चे साइकिल वाले भैया। अच्छा इस बाइक में काफ़ी दिन पहले बट फ्यूल अप कराया था मैंने, कम चलाता हूँ हालांकि इसको मैं। तो कराते हैं 500 का ही करा लेते हैं, बहुत है इतने में। तो मुझे लग रहा है मैं जाके लौटाऊँगा इस बाइक से। ज़्यादा फ्यूल रख के छोड़ने में भी दिक्कत होती है इन बाइकों में, खड़े खड़े इशू हो जाता है। लास्ट टाइम इसकी टंकी लीक कर गई थी, मैंने कम चलाई थी बाइक और फ्यूल खड़े खड़े काफ़ी दिन खड़ी थी बाइक, मतलब फ्यूल भरा रहता है लगातार, तो फिर दिक्कत हो जाती है। आजकल पेट्रोल में बहुत मिक्सअप आता है। तो 500 का पेट्रोल कराया मैंने, करा के निकलते हैं। बताना ज़रूर पड़ता है हर बार, भैया गिराना मत टंकी पे, हमारी टंकी बिल्कुल नई नहीं है, ख़राब मत कर देना पेट्रोल गिरा के। उसका पेंट, कीमती पेंट। चिराग हमारे साथ देखे निकला है अपनी RC 125 और मैं चला रहा हूँ GTR ह्योसोंग की। और उसने काफ़ी अच्छे मॉडिफिकेशन कर रखा है, रेडबुल का स्टिकर्स लगा रखे हैं बाइक में, तो अच्छी, बहुत अच्छी लगती है बाइक। मतलब कंटेंट के लिए बहुत अच्छी बाइक है, आई कैचिंग बाइक है। साथ के बंदे उधर वेट कर रहे हैं, जान भी आ गया, देखो ये खड़ा हुआ है, मिलते हैं जान से। ओफो आज तो खरगोश भी साथ में राइड में है तो जान से मिलते हैं, साथ में ये भी आया हुआ है भाई। ओ माय गॉड खरगोश, कैसे हो एक्चुअली खरगोश जो है बहुत आई कैचिंग होता है, रिएक्शंस काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। बट ये पुलिस का भी आई कैचिंग होता है, मतलब पुलिस के भी रिएक्शन बड़े तगड़े मिलते हैं खरगोशों से। ये बात हमेशा याद रखना, तो ध्यान रखने की बात है। बाकी चलते हैं, निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिनको इकट्ठा करना था इकट्ठा किया, बढ़ते हैं आगे। संडे की राइड ऐसी होती है, मज़ा आती है, चिल करते हैं एकदम फ्रेश एयर मॉर्निंग में। तो आज सभी भाई लोग शोभन सरकार चल रहे हैं, मज़ा तो आने वाला है। राइड तो पक्का बहुत अच्छी होगी, बहुत मज़ा आएगा, देखते हैं। इससे पहले जब शोभन सरकार गए थे तो जा रहे थे तो प्लान कैंसिल हो गया था। ईजान के एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था बाइक का, तो हम लोगों ने प्लान कैंसिल किया। रिएक्शन तो भर भर के मिल ही जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी साइड में एडजस्ट करने पड़ते हैं, इसके थोड़े लूज़ हो गए। अभी इस बार मैं घर जाकर इसको टाइट करूंगा, नहीं तो ये ऐसे ही वो आगे पीछे, क्योंकि जो आगे से विंड ब्लास्ट आता है साइड में थोड़ा सा पीछे को झुक जाता है। आज ट्रेन से रेस की जाती है, इसको तो मैं एक हाथ से हराऊँगा, एक हाथ से भगा, कितना भगाएगा भगा। अरे ये क्यों रेस करने लगा मुझसे, मैं इससे कर भी नहीं रहा था तो पहले ट्रेन को हराते हैं फिर इसको हराते हैं, देखते हैं कौन कितना भागता है। आजा बेटा, आजा, को तो हराएंगे। तो पहुंच गए हम लोग विश्वविद्यालय मेट्रो और अब हम लोग कल्याणपुर से क्रॉस करेंगे। हालांकि क्रॉस करने से फ़ायदा कुछ नहीं है, थोड़ा सा रॉन्ग साइड भी हम लोग पहुंच गए हैं। अभी वही ट्रेन जिसको हमने रेस की थी, अब वही ट्रेन हम लोगों से आगे निकलेगी। देखो ट्रेन निकाली, अब हम लोग घूम फिर के क्रॉसिंग क्रॉस करेंगे। वहाँ रेस कर रहे थे, यहाँ ट्रेन को खुद ही निकाला है। आगे निकलो भाई, मजबूरी है, ट्रेन है, पहले प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ये तो बनता ही है। बाकी थोड़ा सा क्रॉसिंग लेट खुलती है। गुमटी की क्रॉसिंग मुझे लगता है सबसे जल्दी खुलती है, गुमटी में 5 वाली क्रॉसिंग, बाकी सब आराम आराम खुलती हैं। मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा ट्रैफिक कम है तो आराम से निकल जाएंगे, टेंशन नहीं की बात नहीं है, यही है। बाकी सुबह सुबह अभी वेट करना है सौरभ का, सौरभ आ रहा है, आए सौरभ फिर निकला जाए, कि बोल रहा है आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, देखो कब तक आते हैं मिस्टर सौरभ। भाई साहब पहली बार देखी सुपर बाइक, क्या बंद कर लो यार, ऐसे मत करो। हम भी आप ही की तरह इंसान है यार। बेसिकली जब हम भी किट पहन लेते हैं ना तो आदमी थोड़ा सा अजीब तरीके से देखता है, उसको लगता है पता नहीं कौन है क्या है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। बट ये मतलब मुझे तो कंफर्टेबल फील होता है, मुझे दिक्कत नहीं होती। बट ये है कि हाँ बेसिकली किट पहनने के बाद मुझे कंफर्टेबल के साथ साथ सिक्योर भी फील होता है, और बहुत ज़रूरी होती है किट, मतलब पहननी चाहिए। चलो भाई ने अच्छे से स्माइल पास करी है, अच्छा लगा। बाकी यही है, आप लोगों का अप्रिसिएशन मिलता है तो राइडिंग करने में और मज़ा आती है और अच्छा लगता है, और अप्रिसिएशन ना मिले तो फिर वही चीज़ें हैं कि हम लोग अटक जाते हैं और मज़ा भी नहीं आता। अभी हम लोगों को चलना है शोभन सरकार, करीब 15-20 किलोमीटर है, और सौरभ भाई का कोई नामो निशान नहीं आता, पता नहीं है, बात हुई है, बोल रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, देखो कब तक आते हैं। सौरभ भाई आ गए हैं, चल दिए हम लोग पुरानी शबरी रोड से होते हुए। अंकल जी को जल्दी है, निकल जाने देते हैं इनको, पहले निकल जाओ भाई, निकलो आप ही निकलो, हम ब्रेक लगा लेते हैं। मेन रोड से मेन लेन से आ रहे हैं बेसिकली वो, ये भैया नहीं हटेंगे क्या साइड में, हट गए, चलो थोड़ा सा हटे, थोड़ा सा हट जाए बस। आदमी बिल्कुल हेकड़ी में खड़ा होता है रोड पे, बीच रोड पे जैसे नहीं उसी की रोड है, और नहीं हटेगा तो नहीं हटेगा। तो चलते हैं शोभन सरकार की ओर, शोभन मंदिर की ओर, बहुत दिन से नहीं गया। एक बार प्लान बताया था मैंने किया था, तो जान के एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था तो हम लोगों ने राइड कैंसिल की थी, तो इस बार तो राइड करनी ही करनी है, पहुंचनी है, अगर भगवान बुलाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे। रोड थोड़ी सी पतली है ये, बेसिकली पहले प्रयोग की रोड है और आसपास मार्केट से घिर गई है बेसिकली, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी चौड़ी होती जाएगी, और कुछ दिन बाद जहाँ तक इसे अच्छी रोड बनानी चाहिए। जिस हिसाब से सरकार रोडें बना रही है तो फिर रौला घटने वाला है। इस पुल पे हमेशा चेकिंग रहती है, तो ये बहुत सोच समझ के जाने वाली बात है कि आपको इस पुल पे पुलिस रोकेगी, और रोकेगी ही रोकेगी। अभी तो मॉर्निंग है, लौटते समय पक्का मिलेगी, ये बात याद रखना। बाकी रिएक्शंस तो आपको पता है, भाई को भर भर के मिल ही जाते हैं। नोटिस करते हैं सभी लोग, भले बाइक में एग्जॉस्ट जो लगा हुआ है वो स्टॉक है, बट फिर भी हर बंदा नोटिस करता है, क्योंकि आपको पता है उस समय की ये अपनी सुपर बाइक है, इतनी पुरानी, इतनी मस्त, इतना तगड़े बैकफायर छोड़ती है। आपको बता दूं, अगर इसमें एग्जॉस्ट लगवा दूँ ना मैं, आगे एग्जॉस्ट लगवा दूँ कोई भी शॉर्टकट, इतनी आग छोड़ेगी भाई, इतनी आग छोड़ेगी, इतनी तो 10 और छोड़ो कोई बाइक नहीं छोड़ती है। जैसे चिराग की G900 बैकफायर मारती है, बहुत तगड़े बैकफायर मारती है पटाखे, और अगर इसमें मैंने एग्जॉस्ट चेंज करा दिया तो फिर बस हमारा ही नाम होगा, बात है। देखते हैं, सोचते हैं इसमें एग्जॉस्ट लगवाएंगे। बेसिकली भी इसको इसलिए लोग रोक रखा है मैंने कि कम से कम आराम से शहर में घूम सकता हूँ, पुलिस की टेंशन नहीं होती, वरना बस एग्जॉस्ट लगवाओ तो फिर पुलिस ये वो सबसे बचते घूमो। ठीक है, मज़े आ रहे हैं, करो, जब तक हो रहे हैं तब तक करते हैं, फिर चेंज करते हैं इसको। एक तो ये चिराग में देखता हूँ हर जगह रह जाता है, इसको बार बार रुक रुक के देखना पड़ता है, मतलब पूरी राइड में ये पीछे ही रहेगा, और इतना पीछे रहेगा कि मतलब मैं कुछ भी चलाऊँ ये पीछे ही रहेगा, और मैं इंतजार ही करता रहूँगा, आवारा आवारा आवारा, पता नहीं कहाँ गया, रोक के देखता हूँ, इंतजार करता हूँ, पता नहीं कहाँ है, कहीं नहीं दिख रहा, इससे पूछता हूँ सौरभ, चिराग को दिखा, नहीं पता आ रहा होगा, अब आया। चलते हैं, यहाँ भी हॉस्पिटल्स बन गए हैं, अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रहा है, ज़रूरत है यहाँ इन जगहों पे अस्पतालों की, तो बहुत ज़रूरत है। बेसिकली शहर में तो हर गली नुक्कड़ पे अस्पताल है, लेकिन इन जगहों पे अस्पताल नहीं है। पहली बार चिराग हमसे आगे निकला, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत अंदर से पॉजिटिव वाली फीलिंग आई चिराग को आता देख के। रोड से अंदर होली है मेन रोड से, ये थोड़ा सा पैच टूटा है, मुझे चीज़ समझ नहीं आती, ये बस 300-400 मीटर का रोड इतना ज़्यादा टूटा है, और इसके बाद का रोड ही देखिए यहाँ से फर्स्ट क्लास बना हुआ है। तो ये 300-400 मीटर का रोड अगर और बना देते तो पता नहीं क्या चला था। तो ठीक है, जो है सो है। भाई लोग, अगर आज का ब्लॉग मस्त लगा तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, खूब सारा प्यार देना, खूब सारे कमेंट करना, भर भर के कमेंट करना, और सब दोस्तों में शेयर करना वीडियो को। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट फिर बताएंगे आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ राइड, लव यू गाइज, बाय बाय।